हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता दातेर और आज के इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं जो आईटीआर आपको फाइल करने हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, यानी कि जो इनकम आपने अर्न की है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। अगर आपको उसके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को फाइल करना है तो उसमें काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है सीबीडीटी के द्वारा, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेस रिलीज इशू कर दी गई है। तो उस प्रेस रिलीज को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े दिनों पहले ही इनकम टैक्स फॉर्म जो कि आईटीआर 1 आईटीआर 4 है उनको नोटिफाई किया गया था और उसके अंदर काफ़ी सारी हार्डशिप दी गई थी, जिसकी वजह से टैक्स पेयर आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को यहाँ पे चूज नहीं कर पा रहे थे। तो उसके अंदर यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या बड़ी रिलीफ यहाँ पे मिली है इनकम टैक्स रिटर्न को लेके, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। साथ में आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज जो सीबीडीटी के द्वारा इशू की गई है, और इसका सब्जेक्ट जो रखा गया है उसी से आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये प्रेस रिलीज क्यों इशू की गई है। इसमें लिखा गया है सीबीडीटी ग्रांट रिलैक्सेशन इन द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 सहज आईटीआर 4 सुगम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जो है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से इशू कर दिए गए हैं। उनकी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे इशू कर दी गई है, उस पर मैं डिटेल में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक है, साथ में आई बटन पर मैंने उस वीडियोस को लिंक कर दिया है। आप वहाँ से जाके उनको देख लीजिए और आप वहाँ पर समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि अगर आप रेजिडेंट हैं, आपकी इनकम 50 लाख्स तक है, साथ में अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं, अगर आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप यहां पे जो है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या रिलैक्सेशन दी गई जो कि हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर द ई फाइलिंग यूटिलिटी फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 इज अवेलेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए फाइल करना है तो उसकी जो ई फाइलिंग यूटिलिटी है वो आपको 1 अप्रैल से अवेलेबल करवा दी जाएगी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म के लिए। वन नोटिफाइड बाई द नोटिफिकेशन डेटेड 3rd जनवरी, 3rd जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को यहाँ पे नोटिफाई किया गया। इसमें और लिखा गया, इन द नोटिफाइड रिटर्न द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द फाइलिंग ऑफ आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फॉर्म वर मॉडिफाइड विद एन इंटेंट टू कीप दीज फॉर्म शॉर्ट एंड सिंपल विद बेयर मिनिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्स, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्म्स जो है इनको शॉर्ट और सिंपल बनाया गया है। आईटीआर 1 को 1 पेज का फॉर्म बनाया गया है और नंबर ऑफ शेड्यूल्स को कम किया गया है और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को यहाँ पे मोडिफाई किया गया है, जिसमें लिखा गया देयरफॉर ए पर्सन हु ओन्स ए प्रॉपर्टी इन ज्वाइंट ओनरशिप वॉज नॉट मेड एलिजिबल फॉर आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फॉर्म, यानी कि जिसकी ज्वाइंटली ओनरशिप है प्रॉपर्टी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी को ओन कर रखा है, वो यहाँ पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएगा। फॉर द सेम रीजन ए पर्सन हु इज अदरवाइज नॉट टू रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी कि जिनको इनकम टैक्स रिटर्न पहले फाइल नहीं करना होता था, लेकिन अगर 7th प्रोविजन जो कि कंडीशंस बताता है आपकी 3 कंडीशन कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए तक का कैश डिपॉजिट करवाया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर, कंडीशन यहाँ पे बात करती है कि अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे इन्वेस्ट कर रखा है, एक्सपेंस कर रखा है मोर देन 2 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे आपने फॉरेन ट्रेवल खुद की हो या किसी दूसरे के बिहाफ पे आपने पेमेंट किया है। 3rd कंडीशन आपके बोलता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है
1 लाख रुपीज से ज्यादा तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना ही होगा। तो ये सारी कंडीशन जो है मैंडेटरी फाइलिंग की, ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से एप्लीकेबल हुई है, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट से नोटिफाई की गई है। तो इसके अंदर लिखा गया, आफ्टर द अफोरशेड नोटिफिकेशन कंसर्न पर्सन हैज बीन रेज्ड दैट द चेंजेस आर लाइकली टू कॉज हार्डशिप इन केस ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, द टैक्स पेयर विद जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी हैव एक्सप्रेस द कंसेंट कंसर्न दैट दे विल नाउ नीड टू फाइल डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न इंस्टेड ऑफ सिंपल ITR 1 एंड ITR 4। तो पहली कंडीशन जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रखी गई थी जॉइंटली ओनरशिप प्रॉपर्टी के लिए, तो वहां पे इनको बताया गया कि आपको डिटेल ITR फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, आप सिंपल ITR 1 ITR 4 को यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट नहीं करती है और इसीलिए आप नए फॉर्म्स को यूज नहीं कर पाएंगे। Similarly, the person who are required to file return as per the 7th proviso under section 139(1) of the Act are otherwise eligible to file ITR 1 and also express otherwise eligible to file ITR 1 have also expressed the concern that they will not be able to opt the simpler form of ITR 1 form. तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इसमें यहाँ पे बताया गया कि अगर आप 7th provision के according जो कि section 139(1) का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो आप यहाँ पे ITR 1 को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे चाहे आप अदर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सिंपल फॉर्म, क्योंकि ये एक पेज का फॉर्म है ITR 1, तो आप यहाँ पे ITR 1 को यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप 7th प्रोविजो के अंदर कवर्ड है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये इशू जो है टैक्स पेयर्स के द्वारा रेज किया गया और इसके लिए यहाँ पे जो है इस मैटर को एग्जामिन किया गया और थर्ड पैरा के अंदर इसका जो रिलैक्सेशन का पैरा है इसमें रिलैक्सेशन दिया गया। तो इसमें क्या बोलता है थर्ड पैरा, रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया गया और उसके लिए यहाँ पे थर्ड पैरा इशू किया गया जिसके अंदर लिखा गया, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ ए पर्सन हु जॉइंटली ओन्स ए सिंगल प्रॉपर्टी, यानी कि सिंगल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ओन करते हैं और वो आपकी ज्वाइंट ओनरशिप में है, तो आप यहाँ पे ITR 1 और ITR 4 को यहाँ पे फाइल कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखने की बात है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है ज्वाइंट ओनरशिप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सिंपल रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि वो आपकी ज्वाइंट ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी एक से ज्यादा है हाउस प्रॉपर्टी और उसमें आपकी ज्वाइंट ओनरशिप है, तो आप यहाँ पे ITR 1 ITR 4 को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा गया, टू फाइल हिज एंड हर रिटर्न ऑफ इनकम ITR 1 और ITR 4 एज मे बी एप्लीकेबल इफ ही और शी मीट्स अदर कंडीशन, और यहाँ पे अदर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो कि कंडीशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ITR 1 और ITR 4 फॉर्म पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन पे भी उस वीडियो को लिंक कर दिया है। तो आप वहां से जाके जो इनकम टैक्स रिटर्न के नए फॉर्म हैं उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको अदर कंडीशंस के बारे में भी जानकारी मिल जाए। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली ब्रीफली बता देती हूँ कि आप यहाँ पे रेजिडेंट होने चाहिए, साथ में आपकी इनकम जो है अप टू 50 लाख होनी चाहिए और आपकी यहाँ पे जो है 7th प्रोविजो के अंदर मेंशन है तो भी आप यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे बताई गई, साथ में यहाँ पे बताया गया कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप यहाँ पे इन सिंपल फॉर्म को नहीं भर सकते। साथ में अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं तब भी आप यहाँ पे जो है इनकम टैक्स का ये ITR 1 और ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको अदर कंडीशंस का ध्यान रखना है। इट हैज आल्सो डिसाइडेड टू अलाउ ए पर्सन हु रिक्वायर्ड टू फाइल ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ वन और मोर कंडीशन स्पेसिफाइड इन द 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) टू फाइल हिज रिटर्न इन ITR 1 फॉर्म, यानी कि अब जो पर्सन जिनको 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना है मैंडेटरी, तो वो यहाँ पे अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ITR 1 फॉर्म उन्हें अलाउ
कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो ITR 1 और ITR 4 के नए फॉर्म आए हैं उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है कि अब जो टैक्स पेयर हैं वो इजीली अपने इन सारे फॉर्म्स को भर पाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं ITR 1 और ITR 4 के बारे में तो उनके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर भी दे दिया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। साथ अगर आप सेव करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर टैक्स और इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो आप उसके रिगार्डिंग सेव इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट से जाके मेरे सारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और अपना टैक्स यहां पे सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद। सब्सक्राइब करें सीए अंकिता चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकन पर इनकम टैक्स, GST और CA से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।